हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के कहने पर एक वीडियो लाया हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जो एक फ्रस्टम है, उसके कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला को डिराइव कैसे कर सकते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो NCERT ऑप्शनल है उसमें मेंसुरेशन का उसमें का एक क्वेश्चन है, और आप सभी कहने पर एक सोल्यूशन लाया हूँ। इस बार 2020 में CBSE ने बोला था कि जो है ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, एक पूछे जा सकता है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आप कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ कैसे होता है, और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, डिराइव द फार्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रेंड्स, हमें फ्रस्टम ऑफ ए कोन के जो कर्व सरफेस एरिया है उसके फार्मूला को डिराइव करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो है यह फिगर है इसे बनाना होगा। आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे ही एकदम बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाले जो है ये ABC कोन ABC, उसको मान सकते हैं, उसके जो साइलेंट हाइट होता है उसको LS मान लेंगे, और जो ये छोटा वाला फ्रस्टम है इसके साइलेंट BC ये वाला, इसको मान सकते हैं L, और जो पूरा का है वो कैपिटल L मान लेंगे। वैसे ही हाइट, उसके बाद टोटल हाइट वैसे भी मान सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको छोटे वाला जो ऊपर वाला कोन है वो है, उसका रेडियस हो जाएगा R, और नीचे वाले के जो बड़ा वाला है उसका कैपिटल R। ऐसे करेंगे तो जो ये यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, जो इतने दूर का दूरी होगा वो R-R, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हो गया। तो यहाँ से जो ये है आपका हाइट H, और ये हो गया R-R, तो ये भी होगा। तो यहाँ पर जो है उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम यहाँ से जो L का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πL×R+R ये होता है, या πR×r देखिए यहाँ पर आपको डिराइवेशन एकदम कंप्लीट मिलेगा। देखिए जो ट्रायंगल है CIA इन ट्रायंगल CIE, ये ट्रायंगल है इसमें L² जो ये होता है, ये हाइपोटेन्यूस है ट्रायंगल का, इसका स्क्वायर इक्वल टू H² + H, जो हाइट है वो प्लस बेस का स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद L² = H² + R-R² उसके बाद तो हो जाएगा, जब L निकालेंगे तो ये हो जाएगा √H² + R-r² ये आपको फार्मूला जो है ये यहाँ से निकल गया। साइलेंट हाइट निकालने के लिए एक ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करते हैं, उसके टॉप का रेडियस बेस का रेडियस दे देता है और हाइट देता है, उसके कहेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया। तो उसके साइलेंट हाइट निकालने के लिए फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं, इन जो ट्रेंगल है इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको दिखाते हैं इसको, तो कुछ नहीं करना रहता है। AFC AGE, ए जो AFC है यहाँ पर, उसके बाद AGE, इसको ऐसे ही लिख देना चाहिए कि क्या है, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। तो जब ये सिमिलर हो जाएगा तो इसको जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, AC upon AE = FC upon GE, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है AC का वैल्यू यहाँ से आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं, L- है, और टोटल हो जाएगा L-+L। वैसे ही जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा AC AF या FC, वहाँ से आपको यहाँ वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है, वहाँ पर पुट करते जाना है। ये करेंगे तो वैसे लास्ट में सोल्व करते आएंगे तो हमें L-G मिल जाएगा। हमें जो भी है ना L- और जो कैपिटल L है ये टोटल का, उसको हमें जो है स्मॉल L और कैपिटल R स्मॉल R के टर्म में ला देना है। वैसे ही कर देंगे
और इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, ये है ए। तो यहाँ पर जो एल डैश प्लस एल है उसको कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा जो पूरा है इसका पूरे का जो साइलेंट हाइट है वो कैपिटल एल है, तो वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एल इक्वल टू आर एल डैश बाई आर आ जाएगा। तो यहाँ से एल डैश का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें एल का वैल्यू इसमें आ जाएगा एल के टर्म में, कैपिटल एल का वैल्यू जो है स्मॉल एल के टर्म में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। उसके बाद जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण ए डी ई माइनस ए बी सी। जो कैपिटल पूरा है, टोटल जो कोण है वो है ए डी ई माइनस, उसके बाद ए बी सी है स्मॉल। तो अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो ये जो भी इसका फ्रस्टम आ रहा है बी सी ई डी, इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो मैंने बस वही किया है, उसके करना जो फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल, उसको मैंने पुट कर दिया है। तो जो उसका जिसका जो रेडियस होगा वही करना है, जैसे बड़ा वाला का रेडियस आर है और साइलेंट हाइट एल है तो वैसे ही मैंने किया है। उसके बाद पाई इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो एल का है, एल का वैल्यू दोनों साइड पुट कर देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे यहाँ पर पुट किया हूँ मैं एल का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद दोनों में जो एल हो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो पाई एल इंटू यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर अपॉन आर माइनस आर जो नीचे है वो। उसके बाद जब ये करेंगे तो ये आर से ये आर कट जाएगा और पाई एल इंटू आर प्लस आर, जो हमारा ये फार्मूला है दिखाई दे रहा होगा। ये आगे हमारा यहाँ पर डिराइव हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप इससे इस क्वेश्चन को ऐसे इतने आसानी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को आसानी के साथ वो भी सॉल्व कर सके। और हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दूंगा। फ्रेंड्स इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सुविधा के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।